بسم الله الرحمن الرحيم. सबसे पहले मशीन का काम है, माशाल्लाह बहुत खूब माशाल्लाह। ما شاء الله تبارك الله، इसको थोड़ा सा बड़ा करें इस तरफ। इसको भी देखिएगा, बाकी ما شاء الله ما شاء الله। अच्छा, इसको थोड़ा सा कम करें, करीब करें आपके यहाँ से, ये फासला ज्यादा है क्या दरमियान। तो ये नीचे की तरफ चले गया, इस वापसी में ये इधर जाएगा। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, आफरीन। इसके अलावा बहुत अच्छा निभाया ये भी आपने, बहुत अच्छा। इसके तफसीली रूल्स तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन अच्छा निभाया, काफी जुड़ गए आपस में, यानी करीब यहाँ से करीब हो गया। वैसे ठीक है, फॉर्म पे थोड़ा सा और बड़ा करें, लेकिन अच्छा नहीं आया माशाल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब, आपने तख्तियाँ बहुत अच्छे से लिखी हैं, और रोजाना मुफरदात के साथ एक तख्ती दोहराइए, ताकि मजीद आपको आपके बिल्कुल बाशऊर का हिस्सा बन। अच्छा जी, ये थोड़ा सा लंबा लंबा आ गया, ये लंबा आप इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आए, 110 के जाविये पे सीधे सीधे होगा थोड़े से। और बस इसका जाविया चेक करना है, जैसे यहाँ पे उस बेहतर है, ये लंबे लंबे हो गए आखिर से, ये यूँ आ रहा है इस तरफ लेके आए। बाकी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह, आपका कलम भी बहुत अच्छा है। फिर रॉ में इसको थोड़ा सा लंबा करें, ये दो नुकतों का होगा ये हिस्सा। ये वाली लाइन भी आपने अच्छी निभाई है, इसमें बस ये है कि हरूफ में कहीं बहुत छोटे हो गए, जैसे कि यहाँ पर भी फंस गया बहुत ज्यादा, बहुत छोटा हो गया। इस चीज को इंशाल्लाह आके हम बेहतर करेंगे कॉम्पोजिशन में इंशाल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा जी, मिस जानीता का काम है, जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये वाला जो स्ट्रोक है ना, इसमें आपका कलम ऐसे सीधे आ गया, तो ये मोटा हुआ था, जब ऊपर से तो कलम को तिरछा लेके आए, कलम सीधा होगा और यूं आएगा तो ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, इसकी वजह से ये थोड़ा पतला होगा। ये आपका ये हिस्सा बहुत मोटा हो रहा है, इसमें झोल नहीं आ रहा, सीधापन आ रहा है,
इसको देखिएगा, जिम को थोड़ा सा बड़ा करें, सीन के दरमियाने बहुत ज्यादा वाजे हो गए ये दायरों का, ये वाला दायरा बेहतर है, इसका एंगल बहुत अच्छा हो गया। हाँ और थॉट का कनेक्शन देखिएगा, आइन और हाँ और आइन ये बेहतर है, अच्छे हैं माशाल्लाह। कहीं कहीं हाँ छोटा भी हो गया है, नाम का ये सब बहुत पतला हो गया, ये आखिरी वाला इसको इधर लेके आए, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जबरदस्त। इस दो चश्मी हाँ को बीच वाले को दुरुस्त करें, यहाँ भी हाँ ऊपर भी छोटा हो गया, छोटे बड़े तो हो रहे हैं लेकिन माशाल्लाह आपकी मश में जान है, खूबसूरती है, पुख्तगी है, कंट्रोल है, माशाल्लाह बहुत खूब अहसन। आपकी जो तख्तियां रह गई है ना वो आप मश करके मुझे पर्सनली मुझे चेक करवा दीजिए। अच्छा जी, बैंक का काम है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा ये हाँ बहुत अच्छा है, कहीं कहीं पर ये जो बीच वाला जो हाँ है ये काफी चौड़ा इसका वो ये ज्यादा खुल गया है, ज्यादा बड़ा हो गया है, ओवरऑल अच्छा है माशाल्लाह, काफी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त। ये आपको यहाँ से ठीक करें, इस हाँ को देखें ऊपर वाला हिस्सा बड़े हो गए, जीव को इस तरफ लेके आए, इस तरफ लेके आए, नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसको ठीक करें, थोड़ा सा ओवल शेप में लेके आए, तो बहुत अच्छे बनाए माशाल्लाह, इसको बेहतर करें, अहसन माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। इसके साथ साथ जो आपने ये जो मश्क की है ये भी काफी अच्छी है, लाइन लगा के मश्क करेंगे तो आपको फायदा होगा, ये आपने अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है, अच्छा माशा। ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं वो मैं बताऊंगा, कहीं वही कलम मोटा पतला हो रहा है, आखिर में झटका दे रहे हैं तो नोके ज्यादा निकल गए, आराम से लेते हैं। अच्छा अब जैसा कि हाँ में ये चीज बना के ये 110 के जावी पे आए, 2 नुकों पे स्ट्रोक बनाया, उसके बाद इधर आए, ये सीधा खराब है 90 पे और इधर आ गए, थोड़ा पतला हो जाएगा, आधा आधा नुकता समा जाएगा, इधर नीचे आए रॉ में 2 नुकते लेके आते हैं, पाँव में जैसे नीचे आए उल्टे हाथ पर, चश्मी हाँ वो सिंगल वाला, हाँ दरम्यान वाला सिंपल वाला, तो ये बहुत दूर चली गई थी, अगली बार इसको कम कीजिए,
दो चश्मे। हाँ उसको लॉक के पहले ओपन ले जाए जो चीन की तरह। नाम अनिफ में मैं उसको जरा अच्छी तरह से गोल कर, तो ये उसके बाद नीचे नहीं जाना बल्कि उल्टे हाथ में। और ये से थोड़ा ऊपर भी होता है हल्का सा, इसी तरह जो छोटी यहाँ है उसको सीधा आना है और नीचे। हरूफ जो मैंने लिखा था तख्ती आपने पूरी कीजिएगा। आज जो हम पढ़ेंगे तो लफ्जों की पहली दूसरी और तीसरी शक्ल पढ़ेंगे कि लफ्ज शुरू में है, बा कैसे आता है, दरम्यान में कैसे आता है, आखिर में कैसे आता है। तो उस तौर पर जो उस्ताद इस ने अपने क्रॉसिंग में लिखा है उस पर बात करें। जैसे कि बा आपने अकेला लिखा तो इस तरह से लिखा था या भी बड़ा वाला लिखा था, लेकिन शुरू में जैसे बा अलिफ आपने लिखा बा की तख्ती इस तरह से ही बना के एक नुक्ता ये ऊपर जाएगा, और दरमियान में अगर बा आ जाए बा के बाद फिर ये इस तरह से एक नुक्ते का बनेगा, और आखिर में जब आ जाए तो ये। जैसे कि आप कोई लफ्ज लिखते हैं बिंत, जैसे अगर ये वाला ता की बजाय दूसरा वाला ता लिखते हैं, ऐसे भी हो गया कि ये जो ता है इसको पहले जब पहले वाले शोषक को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बराबर। ये भी लफ्ज बिनते हैं, इसमें इस किस्म का ता है, इसमें इस किस्म का ता है, ये 45 के जावी पे आ रहा है, 110 के जावी पे जा रहा है। जैसे कि ये बा ता सा, ये सबकी बात कर रहे हैं, बा ता और सा, ये तो शुरू वाला बा ता सा नून और या भी हो सकता है ना, ये वाला बा ता सा और नून और या भी हो सकता है, लेकिन आखिर वाला क्या होगा, या तो बा होगा या ता होगा या सा होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ ता हो सकता है, ये बा ता सा नून या भी हो सकता है, ये बा ता सा नून या भी हो सकते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ ता है। जीन आपने दिन की तख्ती में लिखा कि जीन एक ये वाला होता है, ये जीन साइदा है ऊपर जाने वाले या साथ साथ चलने वाले हरूफ में ये इस्तेमाल होता है, ये जीन नाजिला है यानी नीचे जाने वाले हरूफ में इस्तेमाल होता है, साइदा ऊपर चढ़ने वाले, नाजिला नीचे होता है। ये दो तो आपने इसकी इंडिविजुअल शक्ल पढ़ी थी, यानी ये इंडिविजुअल शक्ल थी, ये जीन के बाद जब ऊपर ये साथ साथ चलने वाले हरूफ में आ जाए। इसी तरह अगर नीचे जाने वाले हरूफ में हम जीम लिखे तो ये जीम, और दरमियान में जो जीम बनेगा वो तरह से बनेगा एक और दो नुक्तों का, फिर इसको आगे ले आएंगे, ये इससे एक नुक्ता आगे आया, ये इससे एक नुक्ता आ गया, अब फिर इसको ये देखें इसका रावी अलग है और इसका जावी अलग है,
इनके जाविये अलग है, ये तो 45 के जाविये पर ही आता है ये वाला स्टार, लेकिन ये वाला तो ऐसा तिरछा जाएगा। तो ये शुरू में जीव, दरमियान में जीव, आखिर में जीव, ये इस तरह से आता है। जीव की इब्तदाई, वसती और इख्तितामी शक्ल आपको बताता है, इसी तरह बाकी भी इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी शक्ल आपको बताता है। इसको कहते हैं अरबी में आ इब्तदाईया, इसको वसतिया, इसको निहाईया। निहाईया यानी जो इंतहा में आता है, जो किताब में आखिर। सीन आपने दो किस्म के लिखे थे, एक तो ये था और एक ये वाला। ये तो शुरू की शक्ल है सीन, ये दंडाने वाला और सीन कशीदा। अब अगर ये दरमियान में आ जाए किसी लफ्ज के साथ, मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको ये मीम के साथ आ जाए, तब भी ये मुफरत की तरह ही होता है। और अगर इसके बाद ऊपर जाने वाले हरूफ आ जाए तो ये ऊपर की तरफ, और इसके बाद अगर नीचे जाने वाले हरूफ आ जाए तो तीसरा शोशा ऐसे होता है, ये उठान की सूरत में होता है। ये दरमियान वाली शक्ल हो गई, और दरमियान वाली शक्ल में अगर आपने शीन लिखना है तो ये देखें, शीन दरमियान में इस तरह से होता है, इसकी गहराई दो नुकते, उसके बाद आप इसके साथ कोई हर्फ मिसाल के तौर पर वा अलिफ जोड़ना चाहिए, या जो भी है, तो ये इस तरह से दरमियानी शक्ल है। और आखिरी शक्ल में जैसे कि आपने पढ़ा, किसी भी हर्फ के साथ जब मिलता है आखिरी शक्ल सीन की, उसी तरह से होती है जिस तरह उसकी इनफरादी या अकेली शक्ल थी। इसके अख्तामी शक्ल है। कुछ चीजें उस्ताद शौकी, उस्ताद इज्जत ने नहीं बताई हैं, एडिशनल चीजें हैं। जैसे सीन अलिफ सा है, तो सीन अलिफ सा यूं लिखते हैं, सीन की तख्ती में मैंने बताया था कि आपको सीन अलिफ सा ऐसे भी मिलेगा। ये भी सीन अलिफ सा है। इसमें और बाब में क्या फर्क है कि बाब वो लाइन से नीचे होता है, सीन अलिफ सा इसका बेशतर हिस्सा लाइन से ऊपर होता है, शीन अलिफ भी है फिर। इसी तरह स्वाद शुरू में आ जाए, दरमियान में आ जाए, आखिर में आ जाए, उसकी शक्लें कुछ यूं है। ये स्वाद शुरू में आ जाए, उसके बाद उठान बन जाती है, स्वाद दरमियान में आ जाए तब भी उसके बाद उछान होती है, अगर उसके बाद ऊपर जाने वाले लफ्ज आ जाएंगे तो उछान की जगह शोशा बन जाएगा। और इसके तीन शक्ल, इब्तदाई, वसती और इख्तितामी। तो को देख ले, तो एक नुक्ते के फासले से आपको ये सुनने मिले। जैसे तो पूरा बनता है ना, वो पूरा पूरा तो है, बस उसके आगे जाके कोई हर्फ जोड़। तो अलिफ में आपने पढ़ा था कि तो अलिफ एक तो ये है और एक इसकी शक्ल ये वाली। जबकि आइन के बारे में आपने पढ़ा, आइन
शुरू में इस तरह, दरमियान में इस तरह, आखिर में इसी तरह। आखिर में फिर दो शक्लें ही होने वाली है। इसके बाद बारी आती है फा की। फा है, शुरू में ऐसे आता है फा भी और काफ भी, दरम्यान में भी फा और काफ ऐसे ही आता है, जबकि आखिर में फा की शक्ल, फा की आंख खुली हुई होती है। इसके जबकि काफ की आंख बंद होती है। इनकी मश्क करेंगे तो ये याद रहे। इसी तरह से ये जो चीजें आगे आएंगी, कुछ अभी पहले दूसरे तीसरी शक्ल पढ़ रहे हैं, फिर कोई एडिशनल चीजें आएंगी। अच्छा, काफ की तख्ती में आपने ये पढ़ा था, काफ अलिफ ऐसे होता है। या फिर काफी ऐसे होता इसी तरह काफ शुरू में ऐसे होगा, दरमियान में ये काफ और लाम शुरू दरमियान में एक जैसे होते हैं, जबकि काफ आखिर में जो होता है ना वो इस तरह से होता है। एक तो ये है, ये काफ है, ये भी काफ का काफ 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 का एक और तरीका भी है, वही तरीका लाम 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 का भी है। इसके काफ 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 भी है और लाम 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 भी है। यही वजह है कि आप लफ्ज़ अल्लाह लिखते हैं ना तो उसी तरह लाम लाम, तो यहाँ से उसी तरह लाम 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 ये भी है। यहीं से लाएंगे ये बराबर बराबर, जबकि यहाँ लाम ऐसे तो है, तो यहाँ से ये नीचे चले जाते। अप्रैल में आ जाए तो ये देखिए नीचे चले जाते। इसको ये हटा दें, अच्छा लाम लाम मैं अलग से लिखूं, लाम लाम बोलो। मीम 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 जो है, मीम शुरू में ऐसे, दरम्यान में भी ऐसे, और आखिर में दो तरीके हैं, एक ये वाला और एक ये है। जो इसमें यूं किया, इसमें थोड़ा सा सीधा भी कर सकते हैं। बाकी है एक ही रुक पे होंगे, या नील की ये तीन शक्लें, और नून 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 दो तरह का है। इसके तरह बा बा शुरू शुरू में तो बा और बा एक जैसे, बा और नून आखिर में बस नून इस तरह से होगा, या फिर आखिर में आप इस तरह कर सकते हैं। बड़े वाला बार को भी कहा जाता है। फिर अच्छा ऐसे लिखना है तो आपने ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे तीन लिखना है वो तीन।
हाँ आपको तो आपने लिख लिया जो कि मैंने तख्तियाँ करवाई आपको, हाँ शुरू में आ जाए तो उस तरह से, दरमियान में आ जाए तो दो तरीके हैं, एक ये वाला हाँ है और एक दो चश्मी हाँ है। इसमें एक ये कि एक छोटा सा उठता है और दूसरा आखिर में, ये दरमियान में, आखिर में भी दो तरह के दरमियान, एक ये है इसमें एक नुकता ऊपर उठा, इसमें आधे से, दो तरीके, एक दो, और तीसरा तरीका भी है वो क्या है, ये करके ये गए उसके साथ ये वाला लगा देंगे, इसी तरह या शुरू में आ जाए तो बाकी तरह होता है, दरमियान में भी आ जाए तो बाकी तरह होता है, आखिर में आ जाए तो छोटी या अपनी शक्ल में, बड़ी या आपको पता है कि तीन तख्तियों में होती है, चार तख्तियों में होती है, बाकी फाके काफ और नाम तख्ती, वैसे ही आपने लिख दिया। बिनती लिखा इसमें, अगर आपने लिखना है नबी वो फिर, यानी ये तीन हरफी है, ये चार हरफी, इसी तरह कुछ मजीद एडिशनल चीजें हैं जैसा कि या और दाल, आपने दाल ऐसे लिखा है, ये हो गया याद, ऐसे याद ऐसे भी आता है, ये भी याद है, यानी अलिफ छोटा सा आ जाए उससे पहले, दाल के साथ मिल जाता है। और एक ये भी याद है कि आप ये किया ऊपर, ये नहीं छीन, जैसे आपने लिखा है नादिया, ये लिख सकते नादिया, ये अलिफ और ये दाल, ये अलिफ है, ये अलिफ के साथ जोड़ता ही है, तो याद लिखना है ऐसे, ये याद, ये लाइन से ऊपर हो जाएगा और ये लाइन पे आ जाएगा, अलिफ की तरह ही है बिल्कुल, तो जैसे वो अलिफ बनाता है ना। अच्छा दाल के बारे में एक तो ये बात थी, दाल से पहले अलिफ आ जाए तो ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, दाल के बाद अलिफ आ जाए तो क्या करें, तो अलिफ किन किन शक्लों के साथ मिलता है, अलिफ मिलता है दाल के साथ आखिर में इस तरह से, दाल अलिफ, याद भी रखिएगा मश्क भी दीजिए, अलिफ रॉ के साथ भी आता है, अलिफ वाओ के साथ भी आता है, अलिफ दाल जो दाल मिल के आए ना उसके साथ भी आता है, जैसे ये मैं लिखता हूँ निदा, नून दाल अलिफ, ये वो जो दाल है ये, यानी दाल जो दरमियान में आया है ये उसके साथ भी आ सकता है, दाल मुत्तसिल यानी दाल जो पीछे भी किसी हर्फ के साथ जुड़ा हुआ, इसी तरह अलिफ उस रॉ के साथ भी आ सकता है जो रॉ पीछे किसी के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ तो सिर्फ दाल अकेले दाल के साथ आया, यहाँ अकेले रॉ के साथ आया, यहाँ अकेले वाव के साथ आया, यहाँ उस दाल के साथ आया जो पीछे भी किसी नून के साथ जुड़ा हुआ है या पीछे किसी और हर्फ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है बात समझ आ रही है, जैसे
बुरा। इसी तरह वाव की तरफ आते हैं तो वाव जो है वो सीर, वाव वाव जो है वो सीन वाव के साथ ऐसे भी जोड़ सकते हैं, और ऐसे यानी सीन के साथ वाव भी आता है इस तरह से जोड़ के, सीन के साथ वाव भी आता है, ये तख्ते में लिख दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, सीन के साथ लॉ ऐसे भी आता है, ये सीन लॉ ये आपको बता दिया था, सीन दाल आपने लिख रहा हो तो ये उठा दिया और ये दाल लिख दिया। सर, ये नीचे और वाले हुरूफ प्रश्न, तो हमने करे हुए हैं। हाँ ये बिल्कुल किया हुआ है। ठीक तो ये शौकीन है जो उस्ताद इज्जत के खुलासा अगर आपके सामने हो ना, तो आप बस ये यहाँ तक आपके लिए काफी है, ये तो आपने किया मेरे सर। तो 3 हरूफ जो मिला के लिख रहे हैं वो सारे आप लिख के लाएंगे, ये आपके वश के है, आपका काम है। और फिर उसके आगे इंशाल्लाह मजीद बढ़ेंगे। यहाँ पर अनुशा ने काम भेजा है, अच्छा काम अच्छा बहुत, इसलिए काफ काफी छोटा हो गया इसको, दो नुकते नीचे लाए, बहुत अच्छा, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये भी आपने अच्छा निभाया है, इसमें मजीद जान आएगी जब हम कंपोजिशन में काम करेंगे। बाकी माशाल्लाह आपका काम भी बहुत खूबसूरत, ठीक तो भाई ये आप लोगों का काम है, किसी का कोई सवाल है आज के लिए? ये आप लोगों के खुलासे में भी लिखा हुआ है और ये वहां से देख के आप लोग मश करेंगे, मैंने आपको लिख के दिखा दिया, जैसा कि यहाँ अगर आप देख सकें तो उस्ताद इज्जत का जो खुलासा है इससे उस्ताद की तख्ती के बाद ये वाले हरूफ लिखे हुए, ये वा के साथ जीम के साथ सीन, तो इसको सर, ये वाली बुक आपने देख, खरीदी है? सॉरी वाली बुक आपने खरीदी है? जी खरीदी है, कहाँ से? ये सवाल खत्म आ गया, ये फिर इसका जवाब होता है तुर्की से, तुर्की अच्छा, से मंगवाइए भाई, यहाँ से जैसे आपको स्कैन तो मिल सारे सकता है हैं ना, उनको क्या, याद दोबारा कहिएगा। किताब सामने होगी ना, तो उसकी किताब अगर बुक जो है वो सामने होगी ना, तो उसकी प्रैक्टिस में ज्यादा आसानी हो जाएगी। उससे ज्यादा आसानी होती है, तो आपको जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसका प्रिंट आउट निकलवा लें जरा, A3 साइज में, उससे हाँ, वो निकलवा आपको दूंगी आसानी उसमें। ठीक होगी, है, सही है, उसको सामने रखेंगे तो आसानी, ओके। उसकी मशक करें, फिर ये आपके तरकीब में इंशाल्लाह काम आएंगे, ये सारे मजीद जो इसमें चीजें हैं दीवानी के हिसाब से आगे हम एक्सप्लेन करते रहेंगे और कंपोजिशन पे हम काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मुलाकात होती है आप लोगों से आइंदा क्लास में, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, सलाम।